हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो डायरेक्टली बात करते हैं हम आज की रेस की, जो कि है हैदराबाद रेस। तो डेट है 31/7/2023। हैदराबाद का इस सीजन का फर्स्ट मीटिंग है। टोटल 8 रेस का कार्ड है और रेस कार्ड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ रेसेस फेवरेट हो सकते हैं, कुछ रेसेस अपसेट्स। इसलिए फर्स्ट मीटिंग है, सोच समझ के चांस लीजिए। तो यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्लेसिंग का चांस लीजिए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में कुछ कह नहीं सकते। तो बात करते हैं हैदराबाद के फर्स्ट रेस की। हैदराबाद फर्स्ट रेस द रॉयस्टोन रॉक प्लेट डिवीजन 1 मेडन रेस 1200 मीटर। तो हैदराबाद का फर्स्ट रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर हॉर्स आश्व गजराज जी नरेश फॉर विन प्लेस, एंड सेकेंड चॉइस है 9 नंबर हॉर्स विंसर अक्षय कुमार फॉर विन प्लेस। तो हैदराबाद का फर्स्ट रेस देखा जाए तो मेडन रेस है, कुछ भी कह नहीं सकते। बच्चों की रेस है, कोई भी ट्राई कर सकता है। बच्चों की रेस में हर वक्त ज्यादा से ज्यादा अपसेट्स हो सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट रेस हो सके तो आप प्लेसिंग का चांस लीजिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 9 नंबर विंसर अक्षय कुमार टॉप जॉकी है और लास्ट रन भी अच्छा है। पूरे फील्ड में देखा जाए तो समय बेटर है विंसर, बट बच्चों की रेस अभी भी कह सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकते। जीतने के तो जीत सकता है 9 नंबर, बट सोच समझ के चांस लीजिए। इसलिए फर्स्ट रेस में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप विनिंग का प्लेसिंग का चांस दे सकते हैं। तो चलते हम हैदराबाद का सेकंड रेस में द कोतागुड़म प्लेट डिवीजन 2 क्लास 4 1200 मीटर। हैदराबाद सेकंड रेस फर्स्ट चॉइस इज 2 नंबर हॉर्स टेम्पटेशंस पी अजीत कुमार फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस इज 1 नंबर हॉर्स मिल्टन केन इज एम डी अक्रम आलम फॉर विन प्लेस। सो हैदराबाद का सेकंड रेस मेरे लिए मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक ही है। फिर भी अगर डाउटफुल हो तो यहाँ पे ओनली प्लेसिंग का चांस लेंगे तो बेटर होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों घोड़े बोर्ड पे तो होना चाहिए, 2 एंड 1, दैट इज टेम्पटेशंस एंड मिल्टन केनिस। देखे जाए तो दोनों का लास्ट वन सही है, अच्छा है। तो मेरे हिसाब से बोर्ड पे तो आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी ऑड्स पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऑड्स पे पता चलेगा आपको कौन सा घोड़े का चांसेस हो सकता है, तो इसलिए इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम हैदराबाद के थर्ड रेस में द रॉयस्टोन रॉक प्लेट डिवीजन 2 मेडन रेस 1200 मीटर। हैदराबाद थर्ड रेस फर्स्ट चॉइस इज 4 नंबर ऑफ क्लेयर अक्षय कुमार फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस इज 2 नंबर ऑफ डिकॉय ए विक्रांत फॉर विन प्लेस। सो हैदराबाद का थर्ड रेस भी अच्छी रेस है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे दोनों ही पसंद है, 4 एंड 2, डेट इज क्लेयर एंड डिकॉय अक्षय कुमार और ए विक्रांत। अगर इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते है। तो चलते हम हैदराबाद के फोर्थ रेस में द फायर क्रेस्ट प्लेट क्लास 3 1400 मीटर। हैदराबाद का फोर्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 6 नंबर हॉर्स राइवल अक्षय कुमार फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स एंजेलिटा किरण नायडू फॉर विन प्लेस। सॉरी। तो हैदराबाद का फोर्थ रेस मेरे सबसे अच्छी रेस है, यहाँ पे विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं 6 एंड 3 का राइवल एंड एंजेलिटा। सॉरी, मेरा तबीयत खराब है इसलिए ट्राई कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना खत्म कर दूं। तो चलते हम हैदराबाद के फिफ्थ रेस में द फलकनुमा कप क्लास 4 1600 मीटर। हैदराबाद का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 7 नंबर ऑफ लिवरमोर अफरोज खान फॉर इन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस इज 2 नंबर ऑफ सामिल फिटाना कुलदीप एस फॉर इन प्लेस। सो हैदराबाद का फिफ्थ रेस यहाँ पे बोल सकते हो कि थोड़ा टफ है, यहाँ पे आप प्लेसिंग का चांस लेंगे तो बेटर होगा। अगर इसमें समझ में आता है तो ही चांस लीजिए, नहीं तो वरना स्किप कर दीजिए। यहाँ पे देखे जाए तो ओपन कार्ड है, तो इसलिए सोच समझ के चांस लीजिए, नहीं तो वरना स्किप कर दीजिए। तो चलते हम हैदराबाद के सिक्स्थ रेस में द राजा महबूब करण मेमोरियल कप क्लास 1600 मीटर। हैदराबाद का सिक्स रेस का फर्स्ट चॉइस है 8 नंबर ऑफ सुपर स्टेलर कुलदीप एस फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस है 6 नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अक्षय कुमार फॉर विन प्लेस। तो हैदराबाद का सिक्स रेस मेरे सबसे अच्छी रेस है, यहाँ पे विनिंग प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे दोनों ही पसंद है, 8 एंड 6, दैट इज सुपर स्टेलर एंड ह्यूमैनिटेरियन। सॉरी वंस अगेन। तो चलते हम हैदराबाद के सेवेंथ रेस में द कोतागुड़म प्लेट डिवीजन 1 क्लास 4 1200 मीटर। हैदराबाद का सेवेंथ रेस का फर्स्ट चॉइस है 9 नंबर ऑफ लाइफ लिविंग अक्षय कुमार फॉर विन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस इज 3 नंबर ऑफ स्टोइक हीरो पी अजीत कुमार फॉर विन प्लेस। सो
हैदराबाद का सेवंथ रेस भी मेरे सबसे अच्छी रेस है, यहाँ पे विनिंग आप रेसिंग का चांस दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे दोनों ही पसंद है, 9 and 3, दैट इज लाइफ लिविंग एंड स्टोइक हीरो। तो चलते हैं हम हैदराबाद के 8th लास्ट रेस ऑफ द डे दानापी शाही प्लेट क्लास 5 1400 मीटर। तो हैदराबाद का ये रेस का फर्स्ट चॉइस है 4 नंबर हॉर्स क्रिएटिव आर्ट किरण नायडू फॉर इन प्लेस, एंड सेकंड चॉइस इज 3 नंबर हॉर्स स्विस गर्ल सोनू कुमार फॉर इन प्लेस। सो हैदराबाद का ये रेस थोड़ा टफ है, फिर भी हमारा जो बेस्ट है 4 and 3, मेरे हिसाब से बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसमें आपको पसंद हो तो प्लेसिंग का चांस लीजिए, नहीं तो वरना डाउटफुल हो तो स्किप कर दीजिए। तो ये रहा हमारा हैदराबाद का ये रेस का सिलेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पूरी रेस खेलने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट मीटिंग है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। पूरे दिन में आपको जो भी बेस्ट लगे, जो कि आपको प्रॉफिट करा सके, वही रेस कीजिए। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर द हैदराबाद रेस। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।